नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ पूजा। पीस न्यूज बुलेटिन में देखिए, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने दादी जानकी से स्वच्छता अभियान पर की चर्चा, राष्ट्रव्यापी चलाने का आह्वान, संस्थान ने पेश की कार्य योजना। रायपुर के शांति सरोवर में तृतीय दिव्य यूथ फोरम का शुभारंभ, युवाओं से परमात्म शिक्षाओं को जीवन में धारण करने का आह्वान, फुल स्टॉप एंड फुल स्टॉक विषय पर हुई चर्चा। गुरुग्राम के दी नॉर्थ केप यूनिवर्सिटी में सेल्फ एक्सप्लोरेशन सेशन का आयोजन, थॉट लैब में मेटाफिजिकल एनर्जी के पहलुओं पर की गई चर्चा। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के 131वें जन्म दिवस समारोह में ब्रह्म कुमारी आमंत्रित, सामाजिक क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए बीके बहनों को किया गया सम्मानित। संस्थान के युवा प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे मेरा भारत स्वर्णिम भारत आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी बस अभियान पहुंचा ओडिशा। ब्रह्मपुर में प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर में मीटिंग का आयोजन, युवाओं की उन्नति के लिए कई स्कूलों एवं कॉलेजों में हुए कार्यक्रम। नई दिल्ली के वसंत कुंज में सीआरपीएफ के जवानों के लिए 2 दिवसीय तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यशाला, राज्यों को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के अंतर्गत कार्यक्रम, तनावों से मुक्ति के बताए उपाय, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ आयोजित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यालय की खबर से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्रह्म कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका तथा स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर राजयोगिनी दादी जानकी से बात की। बातचीत में स्वच्छता को जन जन तक पहुंचाने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्थान का आभार जताया तथा पूरे देश में अभियान चलाने के लिए प्रेरणा दी। इस मौके पर संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने के लिए कार्य योजना पेश की गई। स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसमें देश भर के 15 स्थानों पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। ब्रह्म कुमारी संस्था के प्रमुख और स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर दादी जानकी से रूबरू होने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री ने दादी जी को प्रणाम करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। मैं दादी जी को यहाँ से प्रणाम करता हूँ और दादी जी के स्वास्थ्य के लिए शुभकामना भी करता हूँ। राजयोगिनी दादी जानकी जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए पूरी वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्थान को 80वें वार्षिक उत्सव में कई अभियानों के साथ जुड़ने पर भी आभार माना। मुझे याद है कि 80वें वार्षिकोत्सव में मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला था और मैंने महिला सशक्तिकरण, कुपोषण, ऊर्जा संरक्षण ऐसे अनेक प्रयासों के साथ आपसे जुड़ने का आह्वान किया था। मुझे खुशी है कि आपने इसको ना सिर्फ याद रखा बल्कि 10 सूत्री कार्यक्रम बनाकर देश भर में काम भी शुरू कर दिया है। आप हमेशा से समाज से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। स्वच्छता के प्रति जन जागरण में भी आप हमेशा से आगे रहे हैं। संस्थान ही नहीं, आदरणीय दादी जानकी जी खुद भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस अभियान को गति देने में निरंतर अपनी भूमिका निभा रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने समाज से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में इस संस्था ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसकी सराहना की व दादी जी का बार बार तहे दिल से शुक्रिया मानते हुए कहा कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का दृढ़ संकल्प निश्चित रूप से स्वच्छता के स्थायी संस्कार विकसित कर रहा है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का जो आपका मार्ग है वो देश में स्वच्छता के स्थायी संस्कार विकसित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत में उपस्थित सभी बीके सदस्यों ने मोदी जी का अभिवादन किया और संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने पीएम मोदी को स्वच्छ भारत अभियान की बधाई देते हुए एक ऐतिहासिक पहल बताया। इस मौके पर राजयोगिनी दादी जानकी जी के साथ संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, मीडिया निदेशक बीके करुणा, गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल समेत कई वरिष्ठ भाई बहने उपस्थित रहे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी के संबोधन के बाद उपस्थित हजारों लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली, जिसके बाद सभी बीके सदस्य एक साथ रैली के रूप में नारे लगाते हुए तलहटी चौराहे पहुंचे, जहां क्षेत्र के 4 स्थानों पर एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। सबसे पहले जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल, जिला प्रमुख पायल परशुराम पुरिया, SDM निशांत जैन, UIT चेयरमैन सुरेश कोठारी, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंदल, सोशल एक्टिविटी ग्रुप के अध्यक्ष बीके भरत ने हाथों में झाड़ू थामकर अभियान की शुरुआत की। डेफिनेटली जरूर पूरा होगा और हम देख रहे हैं जो बदलाव पूरे देश भर में जो दिखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही अलौकिक और अलग बदलाव हैं जो पहले हमने कभी नहीं देखे। और जो अब समय बदल रहा है तो समय के साथ लोगों की सोच भी बदल रही है, उनके सोचने का तरीका भी बदल रहा है और ये उनका सपना हमारे प्रधानमंत्री महोदय का और हमारे गांधी जी का सपना जरूर पूरा होगा। हम सब मिलकर इस सपने को अगर साकार करेंगे, संकल्प लेंगे, तो हम इस सपने को जरूर पूरा करेंगे। आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा मूवमेंट, मास मूवमेंट जो है, ये स्वच्छता अभियान ही एक मूवमेंट है जिसके तहत हर आदमी, हर इंसान सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। और आज का जो प्रधानमंत्री जी का एक है कि अगला पखवाड़ा जो स्वच्छता के लिए समर्पित है, हम आबू रोड के सारे जनप्रतिनिधि और जन समाज से पूरे निवेदन करते हैं कि इसमें अधिक से अधिक जुड़ें और आबू रोड और माउंट आबू दोनों को हम एकदम इतना साफ सुथरा करें कि आने वाला कह दे कि हाँ, माउंट आबू और आबू रोड जैसा कोई साफ शहर नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का आज से शुभारंभ किया है और उसमें अभी ब्रह्मा कुमारी में दादी जानकी से उन्होंने संवाद किया है। उसी के बाद ये पूरा एक श्रमदान का बहुत बड़ा कार्यक्रम आबू रोड में रखा गया, जिसमें 4 हिस्सों में टीमें बंटकर पूरे आबू रोड को साफ करेंगी। तो ये इस तरह से एक, चूँकि 15 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था तो 4 साल इस अभियान के पूरे हो रहे हैं। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने इसको दोबारा से एक उसकी समीक्षा भी की और उसको आगे बढ़ने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि 15 सितंबर से शुरू हुआ यह सफाई अभियान 2 अक्टूबर तक रोजाना अलग अलग क्षेत्रों में चलाया जाएगा और इन 15 दिनों में संस्था ने 50,000 स्थानों को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया है। आबू रोड में शांतिवन के डायमंड हॉल में हेलो हैप्पीनेस फेयर लगाया गया, जिसमें बहुत ही खूबसूरती से साइंस के चमत्कारों को स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस भव्य मेले का संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी ने अवलोकन किया और इस मेले में लगे स्टॉल्स को देखकर इसके आयोजन की सराहना की। इस मौके पर हमारे संवाददाता बीके मोहित भी मेले में मौजूद रहे, तो आइए हम उनसे जानते हैं कि कई दिनों तक लगे इस मेले की खास बात क्या रही और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसा कि आपने देखा, इस मेले में स्वर्णिम ध्यान के अलावा कई प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें राज्यों के जरिए शांति की अनुभूति का प्रयास भी किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस अद्भुत मेले में स्वर्णिम दुनिया का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें लक्ष्मी नारायण और बाल गुरु में सजे श्री कृष्ण लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मेले में स्वर्णिम झांकी के अलावा 3D लाइव शो भी रखा गया था, जिसमें आकर्षक इफेक्ट के माध्यम से बताया गया कि एक समय भारत सोने की चिड़िया था। वही फेयर में मेडिटेशन स्टॉल्स के साथ साथ मेडिटेशन रूम भी बनाया गया था, जिसमें जाकर लोगों ने न केवल अध्यात्म के बारे में जाना बल्कि राजयोग के प्रैक्टिकल अभ्यास से शांति व सुख की अनुभूति भी की। संस्थान के वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग द्वारा लगाए गए इस मेले में शांतिवन में आए हजारों लोगों ने इस मेले का अवलोकन किया तथा लाभान्वित हुए। रायपुर के शांति सरोवर में तृतीय दिव्य यूथ फोरम का शुभारंभ युवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके चंद्रिका, इंदौर जोन के क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला, जोन के क्षेत्रीय संयोजिका बीके हेमलता, चौबे कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता, बीके कृति, बीके जनक और बीके रश्मि समेत फोरम के कई वरिष्ठ सदस्यों ने कैंडल लाइटनिंग कर किया। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में बीके चंद्रिका ने शांति सरोवर और वहां के पवित्र प्रकंपन की प्रशंसा करते हुए बताया कि संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने इस फोरम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं।
इसके साथ ही अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने भी युवाओं का उत्साह बढ़ाया और सभी युवाओं को शपथ दिलाई कि वह भगवान की शिक्षाओं को जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि परम आदरणीय परम संते दादी रतन मोहन जी की वरदान दृष्टि, उनका मुझ पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा, उनके वरदान और आशीर्वाद से जो कुछ युद्ध वीक में हुआ है वो हुआ है। आपको बता दें कि इस फोरम का गठन राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के प्रेरणा से किया गया है और इसका उद्देश्य है कि युवा ग्रुप अपने पवित्र जीवन से प्रत्यक्षता की भूमिका निभाने में आगे आए। इस फोरम का विषय था फुल स्टॉप एंड फुल स्टॉक, जिसमें हिस्सा लेकर सभी युवा लाभान्वित हुए। गुरुग्राम के दी नॉर्थ केव यूनिवर्सिटी में सेल्फ एक्सप्लोरेशन सेशन का आयोजन थॉट लैब में किया गया। पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुदेश ने मेटाफिजिकल एनर्जी के पहलुओं पर चर्चा की और बताया कि राजयोग के नियमित अभ्यास द्वारा विचारों को निरंतर सकारात्मक बनाया जा सकता है। इस दौरान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पूर्व प्रिंसिपल साइंटिस्ट दिलीप ने साइंटिफिक डिवाइस के माध्यम से स्ट्रेस लेवल की जाँच की। वहीं सदस्यों ने कॉमेंट्री द्वारा राजयोग का अभ्यास किया। उत्तराखंड के नैनीताल में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के 131वें जन्म दिवस समारोह में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके वीना और बीके नीलम को उनके द्वारा सामाजिक क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्षा जीवंती भट्ट, पूर्व राज्य मंत्री शांति मेहरा, पूर्व सभासद दया बिशद समेत कई महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीके वीणा ने राजयोग द्वारा कैसे स्व परिवर्तन कर एक बेहतर विश्व का निर्माण किया जा सकता है इस पर चर्चा की। साथ ही राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए सभी को सेवा केंद्र पर आने के लिए आमंत्रित किया। युवाओं में सकारात्मकता, स्वच्छता और आध्यात्मिकता की अलख जगाने का आह्वान करने वाली और 3 साल तक भारत के हर गांव से लेकर कस्बों और शहरों में शांति दूत का कार्य करने वाली ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा चलाई जा रही पीस मैसेंजर बस पहुंची ओडिशा के ब्रह्मपुर, जहां कई बीके बहनों समेत विधायक डॉक्टर आरसी पटनायक, ब्रह्मपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष सुभाष मेहराना ने बस का स्वागत किया। प्रभु उपहार रिट्रीट सेंटर में बस कैंपेन को लेकर मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें महापौर के माधवी, एयर डिफेंस कॉलेज के कर्नल एपी रेड्डी मुख्य रूप से मौजूद रहे। स्वर्णिम भारत की कल्पना को साकार करने के उद्देश्य से निकाली गई इस बस अभियान द्वारा कई स्कूलों और कॉलेजों में युवाओं की उन्नति के लिए संदेश दिया गया, साथ ही रैली भी निकाली गई। नई दिल्ली में वसंत कुंज के सीआरपीएफ में 2 दिवसीय तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा किया गया। शौर्य ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके कमला ने स्ट्रेस मैनेजमेंट, बीके सारिका ने हार्मोनियस रिलेशनशिप व कैप्टन शिव कुमार गोयल ने स्लीप मैनेजमेंट समेत बीके प्रियंका और बीके रमा ने भी कॉल ऑफ टाइम व सेल्फ एम्पावरमेंट विषय पर प्रकाश डाला और राजयोग का अभ्यास कराया। कार्यक्रम के अंत में डीआईजी प्रभात नाइक ने बीके सदस्यों का आभार मानते हुए सभी को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। लगभग 300 सीआरपीएफ जवानों ने पूरी कार्यशाला का भरपूर लाभ लिया। किसी भी घर को स्वर्ग बनाने में महिलाओं का सबसे अहम योगदान है। यदि नारी अपनी शक्तियों को जागृत कर ले तो वह अपने घर व समाज का कल्याण कर सकती है। ऐसे में वे महिलाएं जो टीवी, सिनेमा, कुसंग के प्रभाव में आकर दुखी, अशांत और तनावग्रस्त हैं, जो कहीं ना कहीं से मूल्यों के मार्ग से भटक चुकी हैं, उन्हें वास्तविक खुशी का मार्ग दिखाने का प्रयास राजधानी दिल्ली के चाणक्य प्लेस सेवा केंद्र पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर किया गया। हेल्थ हैप्पीनेस हार्मनी फॉर विमेन विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में मोटिवेशनल ट्रेनर बीके संजीव ने प्रकाश डाला तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके बृंदा और राजयोग शिक्षिका बीके रूपा ने भी आध्यात्मिक वातावरण में स्वयं को खुशहाल व सशक्त बनाने का आह्वान किया। एक डायबिटिक दवाई लेता है तो उसकी शुगर कंट्रोल होती है, एक शराबी नशा करता है तब वो सब भूल जाता है, बिल्कुल नॉर्मल, उसको कोई गम नहीं। अगर वो शराब लिए बिना सब कुछ ऐसा नॉर्मल रहे तो कितना मस्त रहे।
ये मस्ती राजयोग सिखाता है, ये मस्ती राजयोग सिखाता है। जब मन को कमजोर कर देते हैं तो फिर हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, हम अबलाए हैं, हमें हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। और परमात्मा ने आकर के हमारी आत्मा को जगाया है, जहां अंदर से आत्मा जग जाती है दुनिया स्वर्ग बन जाता है। नारी अपने आप में शक्ति स्वरूपा है, परंतु उसके साथ अगर शिव मिल जाए वो शिव शक्ति बन जाती। इस सेशन के दौरान जिन महिलाओं ने राजयोग के अभ्यास द्वारा स्वयं के संस्कारों में परिवर्तन किया है और अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया है, उसे अनुभवों के रूप में साझा किया। जब यहाँ आई और 7 डेज का कोर्स किया तो मेडिटेशन सिखाया जाता है। उस मेडिटेशन में मेनली ये बताया जाता है कि हम डायरेक्ट परमात्मा से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जब उस परमात्मा से मिलना शुरू की तो धीरे धीरे जो गुस्सा और इरिटेशन जो था वो कम होना शुरू हुआ। जैसे जैसे मन में शांति आना शुरू हुई तो और करने की इच्छा बढ़ती गई। यहाँ सैकड़ों लोगों को परिवार की तरह चलाना और उनके साथ कोई अनबन नहीं, ये सच में कमाल है। और इनसे मुझे ना केवल अपने अंदर की जो परिवर्तन लाने को तो जो मिल रहा है वो है ही, साथ ही अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत 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 मुझे कंट्रीब्यूशन मिलता है। सभी धर्म ग्रंथों का एक ही सार है, वह है मानव कल्याण। और जिसे सभी ईश्वर, अल्लाह और गॉड के रूप में याद करते हैं, वह अल्लाह ताला कयामत के समय आकर हम सभी को सच्चा ज्ञान देते हैं, जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके। कुछ ऐसे ही अभिव्यक्ति छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके लीना ने व्यक्त की। कुरान शांति का संदेश सबके लिए, ये शांति का संदेश वाकई देखा जाए तो कुरान में है, क्योंकि कुरान एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें अल्लाह का, खुदा का पैगाम है। इस्लाम धर्म के प्रति गलत फहमियों व नफरत को दूर करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम विनायक भवन में आयोजित किया गया, जिसमें बीके अनंगपाल पांडे ने भी इस बात का समर्थन किया और कहा कि गीता व रामायण और महाभारत की बातों का अक्षरशः वर्णन कुरान में भी है। इस कार्यक्रम के अंत में बीके लीना ने सभी को कॉमेंट्री द्वारा राजयोग का अभ्यास कराया व उस परवरदिगार के सत्य स्वरूप व गुणों तथा शक्तियों की अनुभूति कराई। चौधरी बाल मुकुंद मेमोरियल ट्रस्ट तथा हरियाणा के सिरसा जिला प्रशासन के सहयोग द्वारा जिला स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्घाटन मंडी डबवाली ब्लॉक के अबूब शहर गांव में नशा मुक्ति कैंप लगाकर किया गया, जिसमें रानिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश को मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया। इस मौके पर बीके कमलेश ने प्रैक्टिकल उदाहरण के माध्यम से नशे के कारण व उसके निवारण के बारे में जानकारी दी। इस सभा को संबोधित करते हुए सिरसा के SP हामिद अख्तर ने बताया कि आज अंग्रेजों से भारत देश आजाद हो चुका है, लेकिन व्यसनों का गुलाम बन गया है। इसके साथ ही पूरे समाज के लोगों को नशा मुक्त बनाने में सभी से प्रयास करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में चौधरी बाल मुकुंद मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन कुलदीप भांबू, सदस्य महेंद्र भांबू ने बीके कमलेश को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। महाराष्ट्र में अकोला के दही हांडा में मेडिकल कैंप तथा आध्यात्मिक नव निर्माण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ब्रह्म कुमारीस वत्सल हॉस्पिटल तथा रूपनाथ महाराज संस्थान, मारुति महाराज संस्थान तथा संकल्प मित्र परिवार के संयुक्त तत्वाधान में यह शिविर और प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन अतिथियों ने रिबन काट कर किया। इस आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर बीके अर्चना ने कहा कि सतयुग आदि में देवी देवताएं राज्य करते थे और वे सभी निरोग व कंचन काया वाले थे, क्योंकि वे पुण्य और पवित्र आत्माएं थीं। इस शिविर में सभी चिकित्सकों ने मरीजों का इलाज करने के साथ साथ राजयोग का अभ्यास करने की भी सलाह दी, वहीं निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस दौरान करीब 350 लोगों ने इस शिविर का भरपूर लाभ लिया।
आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी के अमलापुरम में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कोना सीमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आयोजित किया गया था, जिसमें कैंसर स्पेशलिस्ट बीके डॉक्टर प्रेम मसंद ने छात्रों को शरीर के साथ साथ मन को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक चिंतन करने व राजयोग द्वारा खुशहाल जीवन जीने की कला सिखाई। कॉलेज के डीन ए एस कामेश्वर राव ने उनको मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। वहीं आगे स्थानीय सेवा केंद्र पर पॉजिटिव पावरफुल और पर्पसफुल थिंकिंग विषय पर बीके डॉक्टर प्रेम मसंद ने चर्चा की, जहां कई स्कूलों व कॉलेजों से आए लगभग 200 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके श्रीदेवी ने सभी का आभार माना। ओडिशा में ढेंकनाल सेवा केंद्र पर उपस्थित जिला शिक्षा अधिकारी सुधानंदा परिदा ने कहा कि शिक्षा में मूल्यों की महत्वता अधिक है। इससे न केवल विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में निखार आता है, बल्कि जीवन की सुंदरता भी बढ़ती है। यह बात उन्होंने सेवा केंद्र पर इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन एजुकेशन विषय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा टच द लाइट प्रोजेक्ट के तहत 25 स्कूलों में किए गए कार्यक्रमों को सराहा। इस उपलक्ष्य में सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा ने बताया कि किस तरह राजयोग के माध्यम से अपने अंदर के गुणों और शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में नेशनल और गवर्नर अवार्डी टीचर्स के साथ साथ कई अन्य शिक्षक भी मौजूद रहे। अंत में बीके उषा ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। वाराणसी के डॉक्टर घनश्याम सिंह पीजी कॉलेज में बीएड एंड एमएड के छात्र छात्राओं के लिए सफलता का सूत्र एवं एकाग्रता का आधार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सारनाथ सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 200 छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों की उपस्थिति में वरिष्ठ राजयोगी बीके विपिन, राजयोग शिक्षिका बीके तापोशी और बीके पूनम ने बच्चों को सफलता के कई टिप्स दिए। इस उपलक्ष्य में बीके विपिन ने परीक्षा को आगे बढ़ने का माध्यम बताते हुए सभी का हौसला अफजाई किया। वहीं बीके तापोशी ने कहा कि यदि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो अपनी पूरी शक्ति को पढ़ाई में लगाना होगा। इस कार्यक्रम में सिंडिकेट बैंक के मैनेजर सुमन सिंह, कॉलेज के प्रबंधक एवं उत्तर प्रदेश प्रबंधक एसोसिएशन के चेयरमैन नागेश्वर सिंह ने सभी छात्रों को अपनी शुभकामनाएं दी। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र पर धर्मराज का व्रत नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजकोट की क्षेत्रीय निदेशिका बीके भारती, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने इस कार्यक्रम का उद्देश्य व उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को समझाया। इसके साथ ही कर्मों की गुह्य गति के बारे में बताते हुए कहा कि श्रेष्ठ कर्म करेंगे और राजयोग का नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो धर्मराज की सजाओं से बचे रहेंगे। इस दौरान तकरीबन 35 माताओं ने हिस्सा लिया और विचार, बोल और कर्म से भी किसी भी तरह से पाप कर्म से दूर रहने का संकल्प लिया। नेपाल की मंथली सेवा केंद्र द्वारा नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर मंथली माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने कहा कि वर्तमान समय मूल्यों के हनन से ही समाज का पतन हुआ है। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता ने युवाओं से फैशन से दूर रहने का आह्वान किया और प्राचार्य टंक प्रसाद दहाल तथा समिति अध्यक्ष जगदीश प्रसाद सुवेदी ने सदस्यों का आभार माना। इसी कड़ी में आगे विद्यालय के 11वीं तथा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी कार्यशाला आयोजित हुई। जीवन में मूल्यों के महत्व बताते हुए बीके भगवान ने कहा कि जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है उसको अहंकार भी अधिक होता है, इसलिए निरहंकारी बनने के लिए आईक्यू लेवल को बढ़ाना चाहिए। संस्कारित बनना है शिक्षा का उद्देश्य, इसलिए केवल आईक्यू डेवलप नहीं करो, जिसकी आईक्यू, आईक्यू मींस इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता, जिसकी आईक्यू ज्यादा है उसके अंदर ईगो आता है, अभिमान आता है, मैं होशियार हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। वहीं नेपाल में तिनलाल एफएम रेडियो द्वारा माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान ने लोगों को सकारात्मक विचारों द्वारा तनाव मुक्त रहने की प्रेरणा दी, साथ ही परमात्मा के दिव्य अवतरण का संदेश भी दिया। इस मौके पर रेडियो स्टेशन के नवराज पाठिक ने संस्था के बारे में जानकर खुशी जाहिर की। इसी क्रम में KEBS स्कूल में आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम में बीके भगवान ने सभी छात्र छात्राओं को स्कूली शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा को जीवन में धारण करने की सलाह दी। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य केशव विमल सिन्हा,
पूरा शिक्षक स्टाफ और विद्यार्थियों समेत स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता भी मौजूद रही। शिक्षा एक बीज है, जीवन एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी ये गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी। शिक्षा लेने के बाद मेरा चरित्र नहीं बना, वो शिक्षा कोई काम की नहीं। ऐसे ही तामाकोशी इंग्लिश स्कूल में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्राचार्य दीपक खड़का समेत पूरे स्टाफ की उपस्थिति में बीके भगवान ने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए परिवार, समाज और समूह में नैतिक शिक्षा को स्थान देने की जरूरत बताई। वहीं कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में मेडिटेशन कॉमेंट्री के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को राजयोग की गहन अनुभूति कराई। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित संयुक्त राष्ट्र एवं पश्चिमी गोलार्ध की सबसे बड़ी इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे सात अरब सत्कर्मों की महायोजना के निदेशक बीके राम प्रकाश सिंघल को समस्याओं को अवसरों में और तनाव को ताकत में बदलें, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर WTC के निदेशक मकैन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अपने वक्तव्य में बीके राम प्रकाश सिंघल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत हर किसी को अपने कार्यस्थल पर कर्तव्यों, दायित्वों और अपेक्षाओं से ऊपर उठकर कार्य करने और दया, उदारता जैसे दिव्य गुणों की लहर फैलाने के लिए प्रेरणा दी जा रही है। आगे उन्होंने बताया कि 9/11 की घटना ने उन्हें अपने सहयोगियों की नैतिक और आध्यात्मिक रूप से मदद करने का अवसर दिया है। इस मौके पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के महाप्रबंधक ADM भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।